हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में पास्ट के सीन को देखते हैं जो 2007 का होता है। यहाँ पर स्विमिंग चैंपियनशिप होने वाली थी। स्विमिंग के पास इसका कोच आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या, क्या तुम्हारी माँ नहीं आने वाली? यहाँ पर कहता है कि वो नहीं आ सकती, उसे कोई काम हो गया है। बाद में कोच कह रहा होता है तुम्हारे पिता के बारे में क्या। स्विमिंग कह रहा होता है कि वो अपने अस्पताल को नहीं छोड़ सकते हैं, उनके पास पेशेंट आए हुए हैं। कोच भी कहता है कोई बात नहीं है, तुम्हें इस मैच को जीतना होगा ताकि तुम नेशनल टीम में जा सको। ये भी कहता है कि ठीक है। बाद में स्विमिंग स्विमिंग के लिए आ गया था और यहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है तो पास में देखता है और यहाँ पर हम स्विमिंग को देखते हैं जो कि जोर जोर से इसका नाम ले रही होती है और चिल्ला रही होती है। वो जीतने के लिए कहती है। स्विमिंग भी कहता है कि यहाँ पर क्या कह रही है और ये मेरा नाम जोर से क्यों ले रही है। स्विमिंग भी अपनी ये कहती है तुम्हें जीतना होगा, नहीं तो घर पर मत आना। बाद में इनकी स्विमिंग स्टार्ट हो गई थी। स्विमिंग भी साइड में चिल्ला रही होती है। हालांकि ये यहाँ पर दिखा नहीं गया है कि यहाँ पर कौन जीतता है क्योंकि तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं और यहाँ पर स्विमिंग ओपन ले रहा होता है। बाद में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि वह तो पागल हो गई थी, इस प्रकार कौन चिल्लाता है। अभी अपनी साइड में आता है और स्विमिंग से कहता है कि सब क्या है, तुम इसकी वॉल्यूम कम क्यों नहीं कर सकती हो, मुझे अब नींद नहीं आ रही है। स्विमिंग बाद में से यह कहती है कि हमारे स्विमिंग को नींद नहीं आ रही है, क्या मैं लोरी सुनाऊँ, क्या तुम बाद में सो जाओगे। स्विमिंग बाद में अपनी ये कह देता है कि इस फिल्म में आगे ये होने वाला है। बाद में स्विमिंग भी चिल्लाती है और ये अपनी ये कहती है कि तुम स्पॉइलर क्यों बता रहे हो, तुम्हें आज नींद नहीं आएगी। लेकिन यह तो आराम से सो गया था और अपने सपने फिर से आता है और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जीत गया था। स्विमिंग भी साइड में होती है और चिल्ला रही होती है और कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगले इसमें स्विमिंग दिखा जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है। बाद में अपने घर पर आता है और ये अपनी इसकी माँ होती है। हाइसू भी अपनी से यह कहती है कि तुम रात को घर पर कब आए थे, मैंने इतना रात भी नहीं देखा। स्विमिंग कह रहा था मैं कुछ काम कर रहा था। हाइसू बाद में कहती है कि आजकल तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो। बाद में और क्यूंगजोंग भी आ गया था। हाइसू स्विमिंग को साथ में खाना खाने के लिए कहती है। अगले इसमें तीनों अपने ऐसे ही करते हैं और साथ में खाना खा रहे होते हैं। हाइसू पहले खाने की बात करती है और बाद में अपनी ये कहती है कि मैं अगली बार ये बनाऊंगी। लेकिन अब स्विमिंग ने कह दिया था कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं लंच नहीं करता हूँ। क्यूंगजोंग भी स्विमिंग से कह रहा होता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, साइड पर केयरफुल रहा करो, मेरे पास ईआर में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। स्विमिंग भी कहता है कि ठीक है। बाद में क्यूंगजोंग चला गया था। स्विमिंग बाद में अपनी माँ से कह रहा होता है कि आपका अपॉइंटमेंट कब है। हाइसू भी अपनी ये कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे ये पूछा था, खैर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। लेकिन अब स्विमिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, आप कोरिया में लंबे टाइम तक नहीं रही है, आपको पसंद नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। बाद में ये चला जाता है। अगले इसमें स्विमिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आता है। लेकिन यहाँ पर नायून होती है जो कि हम सेलिब्रेट कर रही होती है। पहले हम स्विमिंग ये कहता है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर ये सब विस्फोट क्यों कर रही हो, मेरी जान भी जा सकती है और वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो। बाद में यहाँ पर मिंगू आ गया था। नायून कह रही होती है कि सब कुछ ये बताएगा। मिंगू बाद में स्विमिंग के पास आता है और कह रहा होता है कि हमें बड़ा ऑफर मिला है, अब हम सफल हो सकते हैं। अब मिंगू बता रहा होता है कि ऊपर क्या है। लेकिन स्विमिंग इसको नोटिस नहीं करता और पास में अनार के पेड़ को देख रहा होता है। मिंगू इसको नोटिस करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, तुम इस वीडियो क्यों देख रहे हो। स्विमिंग कह रहा होता है कि इसकी पत्तियाँ सूख गई हैं और ये हमारी कंपनी की नियति है, अगर ये सूख गया तो फिर देख लेना क्या होगा। इसे अगर मिंगू डर गया था और बाद में नायन से कह रहा होता है कि हमें इस पेड़ की देखरेख करनी होगी। स्विमिंग भी अपने आप से कह रहा होता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, ये अंधविश्वासी गुलाम है। लेकिन तभी स्विमिंग यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि हायरू आई जिम के बारे में है और उसके बारे में रिमॉडलिंग और डिजाइन होने वाला है। स्विमिंग भी कह रहा होता है कि मैं करूँगा। अगले इसमें स्विमिंग को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपनी माँ को बोलती है। लेकिन इसकी माँ यहाँ पर नहीं होती, बाद में किचन में आती है और एक पर्ची में इसकी माँ ने लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम खा लेना। स्विमिंग भी अपने आप से ही कहती है कि मेरी माँ इतनी प्यारी क्यों हो रही है। अगले इसमें इसकी माँ को देखते हैं जो गेंसी की स्नैक्स शॉप में आई हुई थी और खाना बना रही होती है। गेंसी की अपनी से यह कह रहा होता है कि क्या तुम शेखर को नहीं डांटने वाली, क्या तुम उसे नहीं कहने वाली कि तुम्हें अमेरिका चले जाना चाहिए। मीसू कहती है कि मैं नहीं कहने वाली, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, जितने इतनी सारी मेहनत की हो वो एकदम से जॉबलेस नहीं हो सकता है। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब शेखर को पता चलेगा कि मैंने अपने आप को धोखा दिया है। अगले इसमें शेखरू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, इसका भी जॉबलेस शेड्यूल शुरू हो गया था और ये अलग अलग एक्टिविटी कर रही होती है जैसे कि गेम खेल रही होती है, टीवी देख रही होती है और बाद में सो जाती है, पूरे दिन यही चलता है। बाद में स्विमिंग पास कॉल करती हूँ, यहाँ पर ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। स्विमिंग कह रहा था मैं बिजी में फोन रख रहा हूँ। लेकिन स्विमिंग कहती है पहले मेरी बात सुन लो। बाद में कहती है कि मैं कॉमिक बुक पढ़ना चाहती हूँ, चलो साथ में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मेरे पास काम है, मेरे पास मेरी जॉब है और जिनके पास जॉब होती है वे दिन में काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बाद में फोन रख देता है। स्विमिंग भी अपने आप से कहती है कि कोई बात नहीं है,
मेरे और भी दोस्त हैं। बाद में मोइम के पास कॉल करती है। अगले इसमें मोइम को देखते हैं जो शेखरू के पास आती है। शेखरू अपनी बुक को पढ़ रही होती है और साथ में यहाँ पर ये कहती है कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, तुम कहती है जाती हो कि तुम कुछ पढ़ना चाहती हो। मोइम यहाँ पर बुक को देखती है। शेखरू बाद में इसके पास आती हुई यहाँ पर ये कहती है कि यह बुक मुझे भी लेनी है। जब यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा हो तब तुम ये बुक मेरे पास ले आना। लेकिन मोइम कहती है मुझे बुक नहीं चाहिए। बाद में और बुक ले रही होती है। इसके बाद यह शेंगो भी आ गया था। शेखरू यहाँ पर इसको देखती हुई यहाँ पर ये कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो कह दिया था तुम नहीं आने वाले। शेंगो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं बुक को लेने के लिए आया था। शेखरू कहती है कौन सी बुक है। शेंगो बाद में बुक को देखता है। शेखरू बुक को देखती हुई यहाँ पर ये कहती है कि यह तुम्हें सैड एंडिंग पसंद है। मोइम कहती है कि हाँ सही है। शेंगो कह रहा है तुम्हें कैसे पता चला। मोइम कहते हैं मुझे बस पता है। शेंगो बाद में इन दोनों से कह रहा होता है कि तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए, इस प्रकार तुम कम लड़ाई करोगी और इंसानों को परेशान नहीं करोगी। बाद में तीनों बाहर आ गए थे। शेखरू भी इन दोनों से कहती है कि चलो आगे हम यह करते हैं, अब हम गेम खेलने वाले हैं। लेकिन ये अपने दोनों मना कर देते हैं। मोइम ने कह दिया था मुझे अपने घर पर जाना है और स्टडी करनी है। शेखरू ने भी कह दिया था कि मुझे अपने ऑफिस में काम है। बाद में दोनों जा रहे होते हैं। शेखरू भी चिल्लाती हुई यहाँ पर ये कहती है कि क्या तुम मुझे आप अकेले छोड़ रहे हो। लेकिन इसकी बात को नोटिस नहीं करते और चले जाते हैं। अगले इसमें जेसु को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है, साथ में मिशु होती है, साथ में ऐशु होती है। जेसु उन दोनों को भी देती है। मिशु पति बहुत ही अच्छी है लेकिन ऐशु भी अलग ही नखरे होते हैं। और यहाँ पर ये कहती है कि यह तुम्हारे पास कॉपी मशीन नहीं है। मिशु बीच में बोलती है और कहती है कि अगर इसके पास कॉपी मशीन होती तो यह रियल एस्टेट का ऑफिस नहीं होता। ऐशु बाद में कहती है मेरी पीठ में पेन हो रहा है, मुझे पिलो दे दो। बाद में जेसु वैसे ही करती है। बाद में अब रिंसु आती है और इन सबके लिए फूल लाती है। सभी और फूलों को लेते हैं। ऐशु यहाँ पर ये कहती है कि ये फूल तो लेवेंडर है। इंसु बता रही होती है कि जब मैं मेट्रो से आ रही थी तब मैंने ले लिए थे। इंसु भी इनके साथ हाई रूम डो में नहीं रहती है, ये इनके शहर से बाहर रहती है। इंसु बाद में ये कहती है कि मैं हमारे गुरु का नेम चेंज करना चाहती हूँ, पिछली बार वहाँ पर ये मिलाई आ गई थी और तुम्हें पता कि क्या हुआ था। ये भी कहती है ठीक है मैं क्या रखना चाहिए। बाद में सोच विचार करते हैं और फिर लेवेंडर रखते हैं। अखिलेश में शेखरू को देखते हैं जो अपने पिता के साथ होती है और अपनी माँ की प्रोफाइल पिक्चर को देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि यह खुशबू किस टाइप की है। मेरी माँ ने पिक्चर में लगा हुआ है, अब वह बूढ़ी हो रही है। लेकिन तभी इसकी माँ इसके पास आती है, इसको मारती हूँ और यहाँ पर ये कहती है कि मेरी पीठ पीछे मुझे बूढ़ी क्यों कह रही हो। शेखरू अपनी इनको देखती हूँ और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें अपनी खाना क्यों बना रहे हो। गेहूं से कह रहा होता है कि हमें अपनी शो बनाने वाले हैं, एक टीवी प्रोडक्शन क्रू आने वाला है, उसने पहले हमारे ऐसे खाना खरीदा था और उन्हें पसंद आया इसलिए उन्होंने अब शो का ऑर्डर किया है। शेखरू यहाँ पर ये कहती है कि तब तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन इसमें मना कर देती है और कोई और काम करने के लिए कहती है। लेकिन तभी शेखरू यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर एक महिला आती है और इसका नाम मिसेज यू होता है। शेखरू भी इसको देख लेती है, इसको पहचान लेती है, यू भी इसको पहचान लेती है। शेखरू फिर अपनी माँ से कहती है कि जब हाई स्कूल में थी तभी मेरी टीचर थी। बाद में दोनों भी इसको नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि हमने आपको नहीं पहचाना। यू कहती है कोई बात नहीं है, मैं भी आपको नहीं पहचान पाई। हालांकि मुझे इस बात का पता था कि शेखरू के पेरेंट्स एक शॉप को चलाते हैं। शेखरू कहती है कि वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। यू यहाँ पर ये कहती है कि मैं खाने का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ, मुझे ये 20 चाहिए। मिशु उसे ये कहती है कि तो बुझे हो जाएगा, कह तो मैं अकेले ले जाऊंगी। लेकिन शेखरू कहती है कि मैं इनकी हेल्प करूंगी। अकेले इसमें दोनों साथ में जा रहे होते हैं और खाने को ले जा रहे थे। शेखरू भी स्कूल को देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि स्कूल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और अब आप भी यहाँ के प्रिंसिपल हैं। यू भी यहाँ पर ये कहती है कि तुम पहले बहुत ही बचकानी थी लेकिन अब तुम काफी बड़ी हो गई हो और तुम तो अमेरिका में ग्रेप कंपनी में काम करती हो जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। सभी टीचर तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि हमारे स्कूल की लड़की इस कंपनी में काम करती है। वैसे क्या तुम यहाँ पर वेकेशन में आई हो, तुम मती मैसूर हस्ती हो गई हो। बाद में साइड में देखती हूँ यहाँ पर ये कहती है कि यहाँ पर एक मैसूर हस्ती है और यहाँ पर हम शेखरू को देखते हैं जो इन दोनों को देखता है। अगले सीन में तीनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। शेखरू ने बता दिया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, हमारे जिम की रिमॉडलिंग और साथ में डिजाइन होने वाला है, मैं उसी के लिए अप्लाई करने के लिए आया था। यह भी एक किस्म का कंपटीशन है, इसमें बहुत सी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। यू भी यहाँ पर ये कहती है कि मैंने लिस्ट में एक नाम देखा था जो कि तुम्हारा था और यह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वैसे कि आप तुम दोनों फ्री हो, लेकिन शेखरू कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं जिम वाली साइट पर जाने वाला हूँ और वहाँ पर जायजा लेने वाला हूँ। यू बाद में शेखरू से कहती तुम्हारे बारे में क्या, यहाँ पर ये कहती मैं फ्री हूँ। बाद में यू कहती है कि ठीक है तुम हमारे स्कूल के बच्चों से मिलो, जब उन्हें पता चलेगा तुम ग्रेप में काम कर रही हो तो ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे और तुम्हारी ओर से उनके पास एक अच्छा मैसेज जाएगा। शेखरू भी कहता है कि मैं चलता हूँ, बाद में चला गया था। टीचर बाद में शेखरू क्लास में ले आती है और बताती है कि पहले इसने यहीं पर पढ़ाई की थी और यहीं से ग्रेजुएट हुई है और ये ग्रेप कंपनी में काम करती है, तुम इसे कुछ भी पूछ सकते हो, बच्चे बुझेरा पी हो गए थे। टीचर बाद में चली जाती है। बच्चों के कई सवाल होते हैं कि तुमने कॉलेज कहाँ से किया था, क्या तुम्हारी फैमिली अमीर है और तुम ग्रेप में क्या काम करती हो।
शेखर ने सब कुछ बता दिया था कि मैंने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किया है और मेरी फैमिली अमीर नहीं है और मैं गरीब प्रोडक्ट मैनेजर थी। बच्चे यहाँ पर इसे कहते हैं कि यह प्रोडक्ट मैनेजर बनना तुम्हारा सपना था, लेकिन यहाँ पर कहती कि नहीं। बच्चे कहते हैं फिर क्या था, अगले से वो दिखा जाता है जो जिम में आया हुआ था, जहाँ पर यह पहले स्विमिंग किया करता था और यहाँ पर पानी को देख रहा होता है। अगले से में शेखरू को देखते हैं जो स्कूल से बाहर आती है। आगे अब शेंगो होता है, इसे बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। शेंगो कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर कर रही हो, क्या तुमने लंच किया। शेखरू कहती है मुझे बात मत करो, मैं भी शांत रहना चाहती हूँ। शेंगो कह रहा होता है चलो एक जगह पर चलते हैं और वो ऐसे पीसफुल भी है, लेकिन यह कहती है कि बाद में चलेंगे। लेकिन शेंगो कहता है कि अभी चलेंगे, चलो चलते हैं, लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ। शेंगो बाद में से कॉलर को पकड़ता है। शेखरू कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, आखिर कौन इस तरह से महिला का कॉलर पकड़ता है। लेकिन शेंगो कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम एक महिला नहीं हो। शेखरू कहती है कि मैं बिल्कुल हूँ, अगर नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, क्या मैं एक आदमी हूँ, फिर तुम मुझे क्या समझते हो। शेंगो कहता है तुम्हारा कोई जेंडर नहीं है। शेखरू कहती है कि क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है, स्कूल के पीछे पहाड़ी है, वहाँ पर तुम्हें दफनाना कैसा रहेगा। शेंगो कहता है कि ठीक है वहाँ पर चलते हैं। शेखरू भी कहती है कि क्या, लेकिन यह तो इसको चलने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में दोनों स्कूल के पीछे होते हैं। शेंगो यहाँ पर यह कह रहा होता है कि हमने यहाँ पर दफना था, लेकिन शेखरू कहती है कि तुम 30 मिनट से ये बात कहते जा रहे हो, आखिर हम टाइम कैप्सूल को ढूंढ क्यों रहे हैं। शेंगो कह रहा होता है कि हमने वादा किया था कि हम 10 साल के बाद इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन इसको तो 10 साल से काफी टाइम हो गया है। शेखरू कहती है कि टाइम कैप्सूल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसको बोल नहीं सकते, मुझे तो यह भी नहीं पता मैंने इसमें क्या लिखा था। शेंगो कहता है कि तुम ही पहली ऐसी इंसान थी जो कि यह चाहती थी कि हम इसको बाहर निकालेंगे, तुमने शायद लेटर में अपने बारे में लिखा होगा या फिर किसी और के लिए लिखा होगा। शेखरू कहती है कि मैं नहीं खोदने वाली, इसे बंद कर दो, हजारों साल बाद ये जीवाश्म के रूप में सामने आ जाएगा। शेंगो कह रहा होता है कि तब भी शर्मनाक होगा, क्या तुम देखना नहीं चाहती तुमने क्या लिखा था। शेखरू कहती है मैंने इमेजिन कर लिया है कि मैंने मेरे बारे में लिखा है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। शेखरू बाद में शेंगो से यह कहती है कि मैंने तुम वहाँ पर कह दिया था कि मैं गरीब में काम करती हूँ, लेकिन तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया, तुमने झूठ क्यों बोला। शेंगो कहता है कि और मैं क्या करता, क्या तुमने गरीब में काम नहीं किया है, क्या वो सब दिखा हुआ था, तुमने बच्चों से बात करनी होगी और उनके पास अच्छा मैसेज गया होगा। शेखरू बाद में कहती है मुझे खुदाई नहीं करनी है, मुझे अपने घर पर जाना है। लेकिन शेंगो कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे इस बात का पता है कि इन दोनों पेड़ों के बीच में टाइम कैप्सूल है। लेकिन शेखरू इसकी बात नहीं सुनती और जा रही होती है। बाद में ये भी चला गया था, लेकिन हम यहाँ पर टाइम कैप्सूल को देखते भी हैं। अगले दिन शेखरू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर इसकी माँ होती है जो भी कुछ काम करी होती है। शेखरू कहती है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मना कर देती है। तभी शेखरू यहाँ पर ये देखती है कि आपके हाथ में क्या है, आपने बंडे स्कूल लगाई हुई है। मिशू यहाँ पर ये कहती जब मैं शॉप में काम कर रही थी तभी आपने ऐसा हो गया था। शेखरू यहाँ पर कहती है मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मिशू कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 6,000 ऑर्डर पे कर सकती हूँ। तभी बाहर डोंगजिन जा रहा होता है। शेखरू इसको चिल्लाती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम माँ की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन यह भी अपनी माँ को बाय कहता है और बाद में चला गया था। मिशू बाद में ये कहती है कि ये जिम में जा रहा है और वहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहा है, जिम कॉर्नर इसकी हेल्प कर रहा है ताकि ये जिम ट्रेनर बन सके। शेखरू भी कहती है कि ये बात बहुत ही अच्छी है। बाद में रात को छत पर होती है और गेम खेल रही होती है, लेकिन फिर अपने आप से कहती है कि क्या मैं सचमुच ऐसा करना जारी रख सकती हूँ। अगले इसमें रात को शेंगो देखती है जो अपना काम कर रहा होता है, इसके पास मुंगू आता है और कह रहा था तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम घर पर नहीं जाने वाले, लेकिन यहाँ पर कहता है अभी काम बाकी है। बाद में मुंगू देखता है और कह रहा होता है कि तुम तो जिम को देख रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, कल वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेंगो कहता है कि मैं जानता हूँ। मिंगू बाद में कह रहा होता है कि कल न्यूज लेटर में तुम्हारा इंटरव्यू आ जाएगा। अगले सुबह देखते हैं कि अब ऐसा ही होता है, यहाँ पर इंटरव्यू पब्लिश हो गया था। डेनू अब इसको देख रहा होता है, इसकी बॉस भी इसके पास होती है, इसका नाम यंगिन होता है जो की आरटीएल को देख रही होती है। डेनू भी अब इसे कह रहा होता है कि आप ऐसे मत देखा करो, इसलिए सभी लोग तुम्हारे बारे में रूमर फैला रहे हैं कि तुम्हारे पास तीसरी आंख है। लेकिन यंगिन कहती है कि ऐसा नहीं है। डेनू कहता है कि आर्टिकल कैसा है। यंगिन कहती है इतना बुरा नहीं है। बाद में डेनू बाहर जा रहा होता है। यंगिन कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। डेनू ने कह दिया था कि मैं खाना खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अगले से मोयूम को दिखा जाता है, साथ में टीम होती है, इनके पास एक इमरजेंसी आ गई थी और यहाँ पर एक पेशेंट के पास आते हैं जो कि एक लड़का होता है, इसे दौरे पड़ रहे होते हैं। बाद में एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने यहाँ पर ये देखते हैं कि जाम लगा हुआ था। मोयूमी बाइक में बोलती है और यहाँ पर ये कहती है कि मेरे पास एक पेशेंट है, इसलिए आप सभी को रास्ते से हट जाना चाहिए।
लेकिन कोई इसकी बात को नहीं मान रहा था। तभी हम यहाँ पर डैनो को देखते हैं जो गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी के स्क्रू ड्राइवर से बात कर रहा होता है और रास्ता देने के लिए कह रहा होता है। मोहिम भी कह रही होती है कि आदमी क्या कर रहा है। मोहिम अकेले कह रहा होता है कि ये रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है। बाद में इनको रास्ता मिल गया था और ही जा रहे होते हैं। मोहिम भी जाती हुई डैनो को देखती है। अगले इसमें सिंगू दिखाया जाता है, साथ में और लोग होते है। यहाँ पर मीनू सिंगू को ले आया था ताकि वो ऊपर दिखा सके जिसके बारे में बात कर रहा था। सामने भी यहाँ पर आदमी होते हैं जो कि यहाँ पर कुछ डिजाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये ड्राफ्ट को दिखाते हैं और यहाँ पर ये कहते हैं कि यह डिजाइन विदेशों में भी है, हमें इसी को यहाँ पर बनाना है। सिंगू पहले कह रहा होता है कि आपको हमारे टैलेंट पर भरोसा नहीं है, अगर हम ये काम करेंगे तो ये साहित्य चोरी होगी। लेकिन सामने वाला आदमी कहता है कोई बात नहीं है, आजकल यह कोई करता है, बाद में सब कोर्ट में चलता रहेगा और सभी इसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन सिंगू कहता है कि मैं नहीं करूँगा। बाद में सिंगू बाहर आ गया था, मेंगू इसको बना रहा होता है और कह रहा था कि बहुत ही अच्छा ऑफर है, हमें करना चाहिए। हम पहले विदेशों को डिजाइन को ले लेंगे और बाद में जब काम शुरू हो जाएगा तो हम अपना डिजाइन लगा देंगे और बाद में काम को बीच में नहीं रोक पाएंगे। लेकिन सिंगू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या तुम पैसे के लिए या तो बेच दोगे। मेंगू कहता है और तुम क्या करने वाले हो, अगर तुम यही एटीट्यूड रखोगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। तुम भी जिम को देखते रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते, तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स काम के बीच में आ रही हैं। सिंगू भी इसको देख रहा होता है। मेंगू कह रहा होता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन सिंगू कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाद में चला गया था। अगले से मुजिम को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है, ये भी उन्हें ऑफिस में आ गए थे और उस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने रास्ते को साफ किया था। मुहिम के लिए कहते हैं कि कौन हो सकता है। मुहिम कहते हैं मेरे टाइप का है, वह बहुत ही शांत था लेकिन वो जोर से भरा हुआ था। उसकी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ था जो कि शायद आई लव यू था। कहते उन्हें गाड़ी का प्लेट नंबर देखा लेकिन अपनी कहते हैं कि नहीं। मुहिम कहते हैं तुम्हें देखना चाहिए था, हम उसे कैसे ढूंढूंगी। तभी इनके पास एक पार्सल आता है जो कि मुहिम के लिए होता है, जिसमें चावल केक होते हैं, साथ में एक पर्ची भी होती है। पर्ची में डैनो ने लिखा हुआ था कि पिछली बार के लिए तुम्हारे थैंक यू, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कॉन्टेक्ट में रहूंगा। साथ में मुहिम का नाम लिखा हुआ था। मुहिम भी अपनी ये कहती है कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला। अगले इसमें शुक्री को देखते हैं जो कि महिला से मिल रही होती है, इसका नाम जीनी होता है जो कि जॉब देने वाली महिला होती है। शुक्रू पहले पूछती है कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। जीन कहती है मैं इसी पता चल गया था, वैसे तुमने अपनी गृह में नौकरी क्यों छोड़ दी थी। अभी अब शुक्रू कहती है कि मेरे कुछ पर्सनल मैटर थे। जिंग अब कहती है कि तुमने यहाँ पर कितने साल तक काम किया था। शुक्रू कहती है मैंने 2015 में शुरू किया था और पिछले महीने मैंने अपना काम छोड़ दिया था। जिंग कहती है फिर तो 10 साल हो गए होंगे। लेकिन शुक्रू कहती है कि नहीं, एक साल में छुट्टी पर थी, मेरे अपने कुछ कारण थे। जिंग बाद में कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पोजीशन देना चाहती हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बता देना। साइड में हम सिंगू को देखते हैं जो कि अपनी इसको देख लेता है, ये भी बाद में बाहर आ गई थी। सिंगू अपनी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सिंगू इसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिंगू कह रहा होता है कि हम दोनों के मोहल्ले में रह रहे हैं, हालांकि मैं इसे हैप्पी नहीं हूँ। सिंगू इसे यह कहती है कि हम दोनों की पेज पर है लेकिन तुम अपना काम करो, बाद में जा रही होती है। सिंगू कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो। सिंगू कहती है कि मैं कॉफी पीने के लिए जा रही हूँ, तभी पास में आ गई थी और यहाँ पर पानी पी रही होती है, साथ में सिंगू भी आ गया था। सिंगू भी से यह कहती है तुम पानी पीना चाहोगे, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा होता है कि तुम इतनी केयर करी कैसे हो सकती हो। बाद में से पानी डाल रही होती है और फिर यहाँ पर ये कहती है मैं रात पिछल गया था। सिंगू बाद में पानी पी रहा होता है। सिंगू बाद में पास में आ गई थी और यहाँ पर वर्कआउट कर रही होती है। सिंगू कहता है तुम युवा क्या है। सिंगू कहती है मैं पहले ठीक थी लेकिन अभी मैं एक महिला से मिली थी, वो मुझे ये जो प्रोवाइड कर रही है, वैसे भी मैं कर सकती हूँ, ये काम मैं पहले भी किया करती थी, मैं कुछ टाइम इसको एडजस्ट कर लूंगी। सिंगू कह रहा होता है तुम इसे हैप्पी हो, कहते मैं काम करना चाहती हूँ। सिंगू ने कह दिया था कि काम तो काम होता है, मुझे करना ही होगा। सिंगू बाद में ये कह देता है कि तुम तो पहले काम किया करती थी और तुमने कह दिया था कि तुम बोर हो गई हो और तनाव में हो और ये काम नहीं करना चाहती, तुम अपनी लाइफ को रिबूट करना चाहती थी, तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम चाहते हो, तुम्हें अपने सपने पूरा करना चाहिए। लेकिन शुक्री अपनी ये कहती है कि तुम इस बात में बीच में क्यों ला रहे हो, तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है, वो जरूरी नहीं सपने सच होते हैं, जो लोग लग्जरी वाले होते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं, वे गिर कर फिर सिकड़े हो सकते हैं। मैंने बताया मेरा इन्वायरमेंटल कैसा था और मेरी विंटर कैसे गुजरी। लेकिन से वो कहता है मुझे पता है क्योंकि मेरी विंटर भी ऐसी ही थी, मुझे लगा तुम्हें याद होगा, बाद में चला गया था। और अगले सीन में अपने घर पर होता है और अपने मेडल को देख रहा होता है और बाद में पास्ट के सीन को याद करता है जो कि 2008 विंटर का होता है, जहाँ ओलंपिक के लिए खेलने वाला था और घर से बाहर आता है और अब जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्रू होती है जो कि इसको टॉवल देती है। शेवू कहता है कि क्या है। शुक्रू कहती है तुम देख लो। बाद में शेवू देख रहा होता है और इस पर शेवू का नाम लिखा हुआ था और गोल्ड को लाने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं ले सकता, जब कोई देखेगा तो अजीब लगेगा।
शिवपुरी अपनी इसको देखती है, बाद में कहता है कि ठीक है मैं ले लूंगा। फिर ये चला गया था और अगले समय रोड क्रॉस कर रहा होता है, लेकिन इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और ये नीचे गिर गया था। अगले समय से भागते हुए अस्पताल में आते हैं। शिवगुरु भी अब रो रही होती है, अंदर अब शिवगो होता है। इसे इसका पिता कह रहा होता है कि तुम रिएपी में ठीक हो जाओगे, लेकिन अब तुम्हें एथलीट के रूप में अपना कैरियर नहीं बना सकते। शिवगो बाद में रो रहा होता है। अगले सीन में प्रेजेंट में शिवगो दिखाया जाता है जो अपने रूप में होता है। शिवगुरु भी अपने रूप में होती है और वैसे याद करती है कि शिवगो ने कह दिया था कि मैं भी विंटर से गुजरा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। बाद में शिवगुरु इसके रूम की ओर देखती है और एक पत्थर को फेंकना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं करती। अगले समय शिवगो दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर मिंगू भी आ गया था। पहले दोनों एक दूसरे से बच रहे थे क्योंकि रात को इनके बीच बहस हो गई थी। बाद में अपन नायू नाती शिवगो से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे बीच क्या हुआ था, मिंगू ने मुझे बता दिया था। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि तुम सही हो और तुम अमेजिंग हो। तुम अपने सपनों का पीछा करते हो और उनको सच करते हो, लेकिन मिंगू भी अपनी जगह पर सही है। अगर हमारी कंपनी सफल हो जाती है तो मुझे भी थोड़े पैसे मिल सकते हैं और फिर मैं और भी ज़्यादा मेहनत से काम करूंगी। वैसे दरवाजे की दूसरी ओर मिंगू है और वह तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। बाद में शिवगो के पास आ गया था और कॉफी दे रहा होता है और साथ में माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन मिंगू ने कह दिया था कि ऐसा मत करो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारी जिम वाली बात छेड़ दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में ये माफी मांगता है। अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। अगली सुबह शिवगुरु को देखते हैं जो स्कूल में आई हुई थी और यहाँ पर पहले वैसे याद करती है कि बच्चों ने मुझे पूछा था कि मेरा सपना क्या है, और अब शिवगुरु ने कहा था कि मुझे बताने की क्या है, लेकिन पहले मेरा सपना यह था कि मैं ऐसी बेटी बनना चाहती थी जिससे मेरी माँ को प्राउड फील हो, सभी टीचर मेरी प्रशंसा करें और हर कोई मुझको पहचाने, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। बच्चे पूछ रहे थे ऐसा क्यों है। बाद में शिवगुरु कहती है कि मुझे अपने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। शिवगुरु के पास बाद में मैसेज आता है जो कि जॉब के लिए होता है, जो कि जियंग ने भेजा हुआ था कि हम जॉब के लिए तुम्हारा इंटरव्यू चाहते हैं। अगली सुबह मुयुंग को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और बाद में नीचे आती है और अपनी माँ से कहती है मुझे भूख लगी है। जेसु भी यहाँ पर ये कहती है पास में चावल केक है तुम खा लो। मुयुंग भी बाद में केक को खा रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि आजकल मैं अक्सर खा रही हूँ, वैसे कौन लेकर आया है। जेसु बाद में कहती है कि पास में हमारा एक और पड़ोसी है, वही देखकर गया था। अब हम पड़ोसी को देखते भी हैं जो कि डन होता है और अपने सामान को सेट कर रहा होता है। अगले से मिसेज यू को देखते हैं जो स्कूल में होती है और स्कूल के पीछे अपर यह देखती है कि अपर कोई होता है जो कि शिवगुरु होती है, लेकिन पहले दोनों डर गई थी, बाद में दोनों अंदर होती है। यू इसको पीने के लिए चाय देती है और यहाँ पर ये कहती है कि तो वहाँ पर क्या कर रही थी। शिवगुरु ने कह दिया था कि मैं वहाँ पर टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी, मैंने मयूम ने और साथ में शिवो ने वहाँ पर दफना था, मुझे लगा इसे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे मेरे जॉब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और भी कन्फ्यूज हो जाऊंगी। मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं गरीब में काम नहीं करती हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। यू बाद में अपनी ये कहती है कि तुमने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी कि अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो क्या होगा। मैंने तुम बहुत कुछ सीखा है, तुम अपने दम पर डिसीजन ले सकती हो, तुमने अब काम करना छोड़ दिया होगा, इसके लिए कोई वजह रही होगी, यह भी अपना बढ़ती है। यू भी बाद में कहती है कि ठीक है, अब तुमने जो कुछ भी किया ठीक है, अब अपना माइंड चेंज मत करना, तुम अपनी पसंद पर भरोसा रखो, वैसे जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो पूल में चली जाना, मुझे लगता है कि वह शिवगो है। यह भी कहती है कि ठीक है। शिवगुरु बाद में पूल में आती है और शिवगो होता है, इसे यहाँ पर ये कहती है कि यह तुम्हें टाइम कैप्सूल मिल गया है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देखती है कि टाइम कैप्सूल इसके पास होता है और एक लेटर को देख रहा होता है। शिवगुरु कहती है कि यह लेटर मेरा है, यह भी अपना बढ़ता और असर होता है। शिवगुरु बाद में कहती है मुझे दे दो, लेकिन शिवगो ऐसा नहीं करता और लेटर को पढ़ रहा होता है, साथ में भाग रहा होता है, यह भी इसका पीछा करती है। शिवगो बाद में पानी में जंप लगाता है। शिवगुरु बाद में से यह कहती है कि यह तुम पानी में इसीलिए कूदे हो क्योंकि वो पानी में नहीं कूद सकती। बाद में पिछली बातों के बारे में बात करने लगती है कि मैंने तुमसे कैसे बात की थी, लेकिन तभी शिवगो कह रहा होता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैं अपने रूम के अंदर बंद रहा करता था, उसके बाद आज मैं पहली बार पानी में तैर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर पास्ट के सीन को देखते भी हैं कि अपने रूम में ही होता है। बाद में उसे शिवगुरु आती है और कॉपी पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन इसको बाहर निकाल देता है, लेकिन फिर से आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी, लेकिन इसको फिर से बाहर कर देता है। शिवगुरु बाद में शिड्यू से आ रही होती है, ये भी इसको देख लेता है। शिवगुरु इसको एकदम से देखती है और नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन इसको बचा लेता है। बाद में शिवगुरु अंदर आ गई थी और अब दोनों फिर से लड़ाई कर रहे होते हैं। शिवगुरु भी इसको बार बार गाली दे रही होती है। शिवगुरु अब इसे कह रहा होता है कि मुझे गाली मत दो। ऐसा कई देर तक चलता है। शिवगुरु बाद में कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। शिवगुरु बाद में ये कहती है कि महीने में तुमने एक बार बोला है मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हूँ। बाद में बैग में से हथियार को निकालती है। शिवगुरु कहता है तुम क्या करने वाली हो। शिवगुरु बाहर जा रही होती है और यहाँ पर ये कहती है कि अगली बार रूम को लॉक मत करना।
प्रेजेंट में से वो इसे कह रहा होता है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, पहले तुम बैग में थिया रखती थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तुम अब नरम हो गई हो। मैं भी काफी साल के बाद पानी में तैर रहा हूँ। बाद में पानी में जंप लगाती है और डूब रही होती है, लेकिन से वो इसके पास आ गया था और टाइम कैप्सूल को नीचे गिर देता है और इसकी हेल्प कर रहा होता है। बाद में दोनों शांत हो गए थे। शिवप्रिया पर ये कहती है कि मैं अपने काम को छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं थक गई थी और मैं एक न्यू लाइफ का सपना देख रही थी। अब मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और हर कोई आगे बढ़ रहा है। शिव भी यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जब मैंने स्विमिंग को छोड़ा था तब मुझे ऐसा ही फील हुआ था, मुझे पानी से डर लगने लगा था, मैं ना भी नहीं पाता था, लेकिन अब देखो फिर से तैर रहा हूँ। शिवप्रिया पर ये कहती है कि मैं फिर से तैर सकती हूँ। यहाँ पर ये कहता है तुम ऐसा कर सकती हो, मैं भी फिर से तैर रहा हूँ तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। बाद में शिवप्रिया ये कहती है कि मैं एक बात को जानने के लिए कूरियस हूँ, मान लो अगर तुम फिर से तैर सकते हो तो क्या तुम फिर बार प्रोटेक्ट बनोगे। शिव यहाँ पर हाँ बताता है। शिव बाद में से कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुमने ग्रह को छोड़ दिया है, मान लो तुम ग्रह को छोड़ने से पहले अभी जा पाती तो क्या तुम ऐसा करती, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में से ये पूछता है कि अगर तुम एंगेजमेंट टूटने से पहले अभी जा पाती तो क्या तुम ऐसा करती, लेकिन ये मना कर देती है। शिवक्रू बाद में नीचे जा रही होती है लेकिन ये इसको पकड़ लेता है। बाद में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम शिवक्रू को देखते हैं, साथ में मुई होती है, साथ में शिवंग होता है, तीनों क्लास में होते हैं और लेटर वो लिख रहे होते हैं। शिवंग भी लेटर में लिख रहा होता है कि अब से हम 10 साल बाद इसको देखेंगे, उससे पहले मैं शिवक्रू को बता दूंगा कि मैं कैसे फील करता हूँ। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कि कल आने वाला है, तब तक के लिए बाय।